नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम हॉर्टिकल्चर का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर इन एग्रीकल्चर जीडीपी, है ना। इसका जो आंसर है वो है 32%। बी वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, जो एसोसिएटेड नहीं है डेफिशिएंसी मतलब कमी के कारण या एक्सेस के कारण मतलब अधिकता के कारण। जो उसका सही जवाब है वो है कैटफेस। कैटफेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ पर है हाइपोकोटाइल निक्रोसिस इज इन बीन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। हाइपोकोटाइल निक्रोसिस किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? ये इसका जो सही जवाब है वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बेर इन टमेटो ब्लॉसम एंड रोट टमेटो में किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? वो सही जवाब है इसका दोस्तों, वो है कैल्शियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कैटफिश इज अ डिसऑर्डर ऑफ। कैटफिश डिसऑर्डर किसका है? यहाँ पे चार ऑप्शन में दिए गए हैं दोस्तों, उसका सही जवाब है टमेटो। कैविटी स्पोट कैरोट में किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सही जवाब है दोस्तों वो है कैल्शियम। कैल्शियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ पर अकासिन अ डिसऑर्डर इन रेड इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। कासिन जो है एक डिसऑर्डर है रेडिस में, वो किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों बी वाला। बी इज दी राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बॉटल नेक एक डिसऑर्डर है किसका? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी कुकुम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बनाना स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? बनाना का स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो है डी वाला, 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू। ब्लैक हार्ट पोटैटो में किसके कारण होता है? ये चार ऑप्शन में, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है पुअर वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ब्राउन हार्ट या हार्ट रोट ऑफ सुगर बीट इज कॉस्ट बाय, किसके कारण होता है? सुगर सुगर बीट में हार्ट रोट या ब्राउन हार्ट किसके कारण होता है दोस्तों? जो इसका सही जवाब है वो है, राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर, बोरॉन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, व्हाइट सेंट हार्ट एट सेंट्रल पोर्शन ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है वाटर मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिटरनेस इन लीफ ऑफ सेलरी इज ड्यू टू। कड़वाहट क्यों आती है सेलरी के लिए उसमें? वो कारण है हाई टेम्परेचर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टी बर्न इन लेटिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। टी बर्न लेटिस में किसके कारण होता है दोस्तों? इसका जो सही जवाब है वो है कैल्शियम इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इंटरनल टी बर्न इन कैबेज एंड चाइनीज कैबेज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, डिलेड हार्वेस्टिंग इन रेडिस में कॉज, लेट हार्वेस्ट करना रेडिस में क्या कारण होता है, उससे क्या हो जाता है? ये होता है पिथिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इन टमेटो बी डेफिशिएंसी लेड्स टू, है ना, इसका इसमें क्या होता है दोस्तों? बी डेफिशिएंसी क्या कारण बनता है, किसका कारण बनता है दोस्तों? यहाँ पर जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है दोस्तों वो है क्रैकिंग। क्रैकिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम इन्फेक्शन कॉसेस, कौन सा डिसीज कॉज करता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है पनामा
विल्ट इज द राइट आंसर. फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम पनामा विल्ट डिसेस कॉज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों. एक्सप्लांट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिश्यू कल्चर इन बनाना. इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मेरिस्टमेटिक टर्मिनल बड इज दी एक्सप्लांट विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों. ब्लाइंडनेस इन कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय. ब्लाइंडनेस कॉलीफ्लावर में किसके कारण होता है दोस्तों. इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों, वो आंसर है दोस्तों इंसेक्ट डैमेज. आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि अन्य दोस्तों को भी यह वीडियो अधिक से अधिक मिल सके. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.